गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम मजे में होंगे। हम लोग चाय इन्हीं में पीते हैं और भी रखे हुए हैं पीछे, तो ये काफी काम आ जाते हैं। अगर छोटे वाले कप होते हैं काम तो वो भी ले लेते हैं काफी लोग, लेकिन ये बड़े वाले तो और ज्यादा अच्छे काम में आते हैं। तो ये देखिए, ये वाला मग का कुंडा भी टूट गया और इसके यहाँ पे पूरी दरार आ गई, मतलब ये निकल गया था, इतना हिस्सा गिर के टूट गया था। तो मैंने क्या, इसको फेविक्विक से चिपका दिया, थोड़ा सा इस पर एक्सपेरिमेंट कर लेते। वैसे तो इसमें देखो कितनी अच्छी डिजाइन की हुई है, जरूरी नहीं है, लेकिन कलाकारी तो अपना काम है, करते रहना। और ये यहाँ से टूट गया देखो, और यहाँ पे भी पूरा ये इसमें दरार आ रखी है, ये भी टूटा हुआ है पूरा। तो चलिए इसको फेंकते नहीं है, इनको काम में ले लेते हैं। क्या काम में लेते हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये जो मग थे ना, ये मेरे पास टूटे हुए थे, तो मैं इनको कर रही हूँ पेंट। और पेंट है ना, मैंने एक्रेलिक नहीं किया, वो जो मैं झूले पे कर रही थी ना वुडन पेंट, वही था। तो क्योंकि उस पर ना वॉर्निश की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेंट आपको दो कोट करने पड़ेंगे और मैं सिर्फ एक कोट करके रख दे रही हूँ। और सूखने में इसको एक दिन तो जाएगा, एक दिन इस दो कोट करेंगे तो पहले वाला सूखेगा, दूसरे दिन उसके ऊपर फिर करूँगी। तो ये मैं करके छोड़ रही थी, फिर अभियांश की फरमाइश आ गई कि उसको कुछ खाना है। और ये देखिए, हमेशा ये टीवी ऐसे ही देखता है, पूरा दिन इस स्कूटर पे चढ़ा रहता है और ये घूमता रहता है, और ऐसे बस इसका पूरा दिन यही चलता है। और टीवी पूरा दिन नहीं देखता है, लेकिन कभी कभार अभी नीचे भी नहीं जा सकता क्योंकि बारिश चालू हो रखी है दो चार दिन से, तो इसलिए। और यहाँ पे मैंने दोनों मग थे ना, इन पे मैंने पेंट कर दिया है। ये काफ़ी अच्छी यूज में आ जाते हैं, अब उन चम्मच वम्मच भी रख सकते हैं इनमें। तो फिर मैं सोचा इनको फेंकते नहीं है, चलो काम में ले लेते हैं। तो अभी अभियांश की फरमाइश पे मैं बनाने लग गई थी फिंगर चिप्स। देखे तो आलू नहीं थे, छोटे मोटे एक दो मिले, तो जल्दी जल्दी मैं बस इसके लिए ही थोड़ी सी बना के दे रही हूँ। और मम्मी मांग रहे थे चाय की, चाय बना ले, चाय का टाइम हो गया, तो उनके लिए बस चाय रख दी है मैंने, और अभियांश के फिंगर चिप्स की तैयारी कर दी है। और यहाँ पे मैं कट कर ले रही हूँ इन आलुओं को। आलू है ना बड़े नहीं थे, तो इसलिए इनको प्रॉपर शेप नहीं आ रही है, लेकिन हाँ जैसे तैसे मैंने कट कर लिया है, साइज एक जैसा ही रखा है, थोड़ा लंबा कट किया है मैंने इनको। और यहाँ पे मम्मी पूछ रहे थे कि खाने में क्या बनाना है, तब तक मैं सब्जी वब्जी कट कर देती हूँ, क्योंकि मेरी गरबा का टाइम हो गया और अभियांश ने बीच में ये मांग लिया, तो मैं खाने की तैयारी नहीं कर पाई। और वहाँ से आती हूँ ना तो लेट हो जाती हूँ, फिर खाना वाने बनाने का टाइम इतना रहता नहीं है। तो यहाँ पे मेरी फिंगर चिप्स कट हो गई है, और इसमें मैंने थोड़ा सा फ्रिज में पानी रख दिया था ठंडा होने के लिए, तो वो मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर। और मैं सिर्फ जल्दी में बना रही हूँ, थोड़ी बना रही हूँ इसमें, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं कर रही हूँ, वरना इसको दो मिनट बॉईल भी कर सकते हैं आलूओं को, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो मैं देखो कैसे बना रही हूँ, जल्दी की फ्राइज है ये। मैंने बस इनको निकाला और कपड़े के ऊपर अच्छे से सुखा लिया है फ्राई, ये जो मैंने आलू कट किए इनको। और मैं ये फ्राइज़ बनाने के लिए कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप आरा रूट यूज़ कर सकते हो, या फिर चावल का आटा यूज़ कर सकते हो, और आप कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा दोनों मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो। मैं सिर्फ कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ, इनसे क्या इनमें थोड़ा सा कड़कपन आता है और काफ़ी अच्छी बनती है, जैसे हम मैकडी वगैरह में खाते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर बस मैं इनको, और यहाँ पे मैंने छोटा सा आलू का टुकड़ा डाल के देख लिया है कि मेरा ऑयल गर्म हो गया है नहीं हो गया, और इसमें डाल दे रही हूँ फ्राइज। और आप चाहो ना तो इनको दो मिनट बॉईल करके फिर सुखा के बाद में भी डाल सकती हो, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने इनको सीधा डाल दिया। और अच्छे बनते हैं, तो आप कैसे भी बना सकते हो इनको। तो यहाँ पर इसको आधा पकाना है, पूरा नहीं फ्राई करना। तो ये मेरे आधे पकने के लिए छोड़ दे रही हूँ, तब तक मैं कर ले रही हूँ मेरे खाने की तैयारी। तो यहाँ पर मम्मी ने भिंडी चीर दी, कट कर दी थी, तो यहाँ भिंडी में मैं मिला दे रही हूँ मसाले। मसालों में मैंने थोड़ी इसमें लाल मिर्ची मिलाई है, थोड़ी हल्दी मिलाई है, और थोड़ा सा नमक भी मिलाया है। और इसमें मैं मिला दे रही हूँ थोड़ा सा बेसन का आटा, इससे ना भिंडी एकदम से करारी बनती है, काफ़ी अच्छी लगती है। और इन सब मसालों को मिला के दो मिनट के लिए हमें छोड़ देना है, ताकि भिंडी के ऊपर अच्छी सी कोटिंग हो जाए। और ये फ्राइज़ जो है ना मेरी अच्छे से हाफ फ्राई हो गई है, और जब भी ये फ्राइज़ हाफ फ्राई हो जाती है ना, तो हम इनको पैक करके भी छोड़ सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, और जब भी चाहें तो इनको यूज़ कर सकते हैं दोबारा।
और ये गरबा वालों का मैसेज आ गया है कि सर आ चुके हैं, तो मैं मेरा काम भी जल्दी जल्दी सलटाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये जो फ्राइज़ थी इनको थोड़ा सा ठंडा होने दिया, ठंडा होने के बाद में इनमें अच्छे से ये जो कॉर्नफ्लोर था उसकी कोटिंग कर दी है, और कॉर्नफ्लोर हल्का सा ज़्यादा गिरेगा इसके अंदर। और यहाँ पे जो फ्राई मैंने हाफ फ्राई की थी फ्राइज़ को, बस इनके ऊपर मैंने अच्छे से कोट कर दिया है कॉर्नफ्लोर को, और इसको फिर से हम डीप फ्राई कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके ज़्यादा है बन गई है फ्राइज़, तो आप इनको हाफ फ्राई करने के बाद इनको आप रख भी सकते हो फ्रिज के अंदर एयर टाइट कंटेनर में डाल के, फिर आप दोबारा इसको डीप फ्राई कर सकते हो कॉर्नफ्लोर लगा के। और ये फ्राई मेरी हो चुकी थी रेडी, और इसमें मैंने डाल दिया है चाट मसाला और थोड़ा सा नमक, और ये दोनों डालने के बाद में इनको अच्छे से कर लेना मिक्स। और यहाँ पे मेरी जो भिंडी है उनको भी मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया ऑयल में, और ऑयल मेरा गर्म ही था, बस उसी ऑयल में मैंने इनको फ्राई होने के लिए रख दिया था। और ये मेरी फ्राइज हो चुकी है रेडी, आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। और ये देखिए अभियांश तो पीछे ही खड़ा है खाने के चक्कर में, क्योंकि काफ़ी देर से बोल रहा है कि मम्मी बना के दो बना के दो, दो तीन दिन से बोल रहा है लेकिन टाइम मेरे को आज मिला है बनाने का, तो इसके नाटक हो चुके हैं चालू। ये देखिए, और यहाँ पे मैं भी टेस्ट कर रही थी कि कैसी क्या बनी है, कैसा टेस्ट आया है। और ये अभियांश बोल रहा है कि मम्मी आप मेरी पूरी खा लोगे, मेरे को दे दो। और भिंडी मेरी हो चुकी है तल के रेडी, तो बस इसको मैं निकाल ले रही हूँ भिंडी को, अच्छे से पूरा इसका ऑयल निकाल ले रही हूँ। और भिंडी जब उसमें कॉर्नफ्लोर वाला आटा थोड़ा सा इसमें रह गया था ऑयल में, तो उसी में डाली ना, तो भिंडी और करारी हो गई कॉर्नफ्लोर की वजह से। और ये जो कुकिंग ऑयल था उसमें से मैंने थोड़ा ऑयल निकाल लिया, और इसमें कटे हुए लहसुन डाल दे रही हूँ, प्याज और हरी मिर्च डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे ये जो लहसुन है इनको मैंने अच्छे से भून लिया, लहसुन भूनने के बाद में इसमें ऐड कर दे रही हूँ प्याज, और प्याज और हरी मिर्ची को अच्छे से पका लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक, इनको कच्चा नहीं रखना है, थोड़ा सा अच्छे से पका लेना। और जब ये अच्छे से पक जाएँ तो हम इसमें ऐड कर देंगे भिंडी, और भिंडी को है ना मैंने देखो जाली के अंदर ही रखा है ताकि इनका एक्सेस ऑयल निकल जाए, ज़्यादा ऑयली सब्जी ना बने, क्योंकि हमने इनको थोड़ी सी डीप फ्राई किया था। देखिए पूरा ऑयल निकल चुका है इनका, और प्याज भी मेरे पक के रेडी हो चुके हैं। भिंडी भी मैंने बिल्कुल फ्राई नहीं की थी इनको, थोड़ा कच्चा छोड़ दिया था और पकने के लिए। तो यहाँ पे बस इसमें ऐड कर दे रही हूँ मसाले, वही बेसिक मसाले नमक मिर्ची हल्दी और गरम मसाला, बाकी मैंने इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं किया। आप चाहो तो इसमें बनने के बाद में थोड़ा सा नींबू यूज़ कर सकते हो, मैंने नींबू नहीं डाला क्योंकि मम्मी को नींबू डालने के बाद में अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने नींबू स्किप किया है। और सारे मसाले डालने के बाद में मैंने भिंडी को 5 से 7 मिनट और पकाया, और हमारी भिंडी हो चुकी है रेडी। और ये वीडियो ना काफ़ी पुरानी इनके बर्थडे के दिन की है, तो उस दिन मेरा फ़ोन मैं लेके नहीं गई थी और इनका फ़ोन यूज़ किया, तो जब इन्होंने वीडियो मेरे को दी है तभी मैं इसको पोस्ट कर रही हूँ। तो ये हम लोग आ गए थे रात को खाना खाने तोरल में, यहाँ पे होटल है काफ़ी अच्छा, इधर थाली मिलती है, थाली नहीं थाला मिलता है, पूरी बड़ी थाली रहती है, बहुत सारी आइटम रहती है, और इधर है ना बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्या चाहिए क्या नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही थी कि क्या कुछ डालते हैं वो लोग, इतनी सारी आइटम रहती है कि समझ में नहीं आता क्या खाएं और क्या छोड़ें। दूसरा फिर चीज़ों को देख देख के ही टम्मी फुल हो जाता है, आगे कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होती। और ये सब इन लोगों का ड्रेस कोड है जो इनकी सेम रहेगी, नीचे धोती ऊपर कमीज और उसके ऊपर खडवा। तो काफ़ी अच्छा होटल है, खाना तो इनकी बात ही छोड़ दो बहुत ही अच्छा है। तो ये गिरता है हाईवे पे, अगर कोई अगर वापी आए तो, अगर किसी को खाना हो तो तोरल में एक बार ज़रूर जाके आना, काफ़ी अच्छा है। और खाना एकदम से ताज़ा मिलता है, रोटियां एकदम गरम गरम बाजरे की गेहूं की जो भी आपको चाहिए तो सब टाइप की मिलती है। चलो
और ये वीडियो है नेक्स्ट मॉर्निंग की। तो यहाँ पे बस मैं लग गई हूँ मेरे काम पे, झाड़ू पोछा डस्टिंग, उठते से ही बस वही चालू होता है, या तो किचन में घुसो या फिर ये करो। तो आज है सैटरडे, सैटरडे के दिन अभियांश का स्कूल लगता है 10:30 बजे, क्योंकि सिर्फ वो भी रहती है। और यहाँ पे बस मैं तब तक चदरे वदरे सही कर दे रही हूँ, कर्टन वगैरह सही कर दे रही हूँ। और कर्टन पूरा इसलिए खोलना पड़ता है क्योंकि ये सोता नहीं है रात को बिना अंधेरे के, बिना बिल्कुल एकदम से रूम में अंधेरा हो जाता है तो सो जाता है, वरना अपने हाथों से कुछ ना कुछ बना बना के खेलता रहता है। तो हम पूरा एकदम से अंधेरा करके ही सोना पड़ता है। और ये है मंदिर वाला रूम, और इसमें ये जो एक सिंगल ही बेड रखा हुआ है, और ये देखिए इसने ये पूरा हाउस खुलवा तो लिया लेकिन एक दिन भी इसमें नहीं खेला। जिस दिन बनाया था बस उसी दिन थोड़ी सी देर 10 से 15 मिनट इसके अंदर घुसा, और उसके बाद में तब से ये इधर से उधर उधर से इधर इसको पटकना ही पड़ता है। ये देखिए अभी फालतू की जगह ही घेर के बैठा है। इसलिए बोलते हैं बच्चों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए, मैं तो नहीं सुनती हूँ लेकिन जब तक दादा दादी है तब तक वो सुन रहे हैं। वो उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो उनको बोलता है, फिर वो नहीं ला के देते तो पापा को बोलते हैं, और जब पापा भी नहीं सुनते तो उसकी पुकार पूना तक जाती है, फिर वो बड़ी मम्मी बड़े पापा से बोल के मंगवा लेता है। तो मेरी तो कभी चलने ही नहीं देता, मेरा बस चले तो मैं इसको बहुत कम चीज़ें ला के दूँ। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू तो मैंने निकाल दी, और ये देखिए कपड़े हमारे ऐसे रखे हुए हैं धोने के लिए, और लाइट चली गई थी बीच में तो कपड़े रह गए थे मम्मी के, और मम्मी ले आई थी सब्ज़ी सुबह सुबह जाके। देखिए सुबह सुबह काफ़ी अच्छी सब्ज़ी मिल जाती है इधर, और सब्ज़ी है ना इन दिनों काफ़ी, या तो एकदम बहुत हाई महंगी मिलेगी या फिर अभी सस्ती मिलेगी। देखिए 10 रुपये का गोभी का फूल, और 20 रुपये की लौकी, 20 रुपये की ककड़ी, सब चीज़ 20 रुपये किलो ये मिली अभी। तो अभी सब्ज़ियाँ सस्ती हो रखी है, महंगी तो थोड़े दिन रहती है लेकिन सस्ती काफ़ी दिन रहती है। और यहाँ पे मम्मी बोलती है कि मेरे को पिला दो अभी चाय, और मौसी का लड़का आया हुआ है, मम्मी मतलब मम्मी के बहन का लड़का मेरा देवर, तो बस उनके लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि वो अभी सो के उठे हैं। और ये है नहीं इधर, तो बारिश हो रही है तो थोड़ी सी चाय मैं भी ले रही हूँ। तो आज ही आप लोग भी गर्म गर्म चाय पीने अदरक वाली। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, बाय। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाय।